नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो है कि स्पीड ब्रेकर। देखिए ज़्यादातर लोग मैंने देखे हैं कि स्पीड ब्रेकर में जाके बहुत ही ज़्यादा अटक जाते हैं, मतलब या तो पैर उतार देते हैं या फिर उसको मतलब दोनों पैर उतार के खुद चलते हुए उसको पार करते हैं, जो कि कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं कितनी सुंदर से कर रही हूँ, कितनी अच्छी तरह से मैं स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कर रही हूँ। तो ये मैं कैसे कर रही हूँ इसको जानने के लिए आपको मैं 3 टिप्स दूंगी, जो 3 टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करने में परेशानी नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सामने जो स्पीड ब्रेकर है इसके लिए मुझे कितना स्लो करना है, बहुत ही स्लो। और देखिए मैं लेफ्ट साइड का जो मेरा ब्रेक है उसे मैं दबाऊंगी और उसके दबाने का बाद मैंने यहाँ पे क्रॉस कर लिया। और उसके बाद आपको धीरे धीरे एक्सेलरेशन भी करना है। अगर आपने एक्सेलरेशन नहीं किया, ब्रेक को नहीं छोड़ा, तो आपका क्या होगा, गाड़ी आगे जाएगी ही नहीं। इसलिए आपको क्या करना है, ब्रेक तो लगाना है लेकिन ब्रेक को रिलीज़ करके आपको एक्सेलरेशन करना है, ठीक है। देखिए मैंने स्पीड ब्रेकर को देखते ही रियर ब्रेक को यूज़ किया और धीरे धीरे करके मैंने जब स्पीड ब्रेकर को क्रॉस किया, पहला वाला चक्का जब ही क्रॉस हो गया तो मैंने एक्सेलरेटर दिए और उसके बाद मैं निकल गई। आपको कितना दूरी पे आपको स्लो करना है, देखिए अब देखिए आपको स्पीड ब्रेकर दिख रहा है, तो आप धीरे धीरे गाड़ी को स्लो करते जाइए, ठीक है, स्लो करते जाइए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अप है तो एक्सेलरेशन थोड़ा सा आपको करना है, नहीं तो गाड़ी जाएगी नहीं। देखिए मैंने यहाँ पे स्लो डाउन किए, ठीक है, और अब ये देखिए, और पहले का चक्का जब ये क्रॉस हो गया स्पीड ब्रेकर, तब मैंने एक्सेलरेशन को दबा दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, स्पीड ब्रेकर भी आपकी क्रॉस हो गई है और आपकी गाड़ी भी चलती बनेगी, मतलब बंद नहीं होगी, आप आराम से उसको हैंडल कर सकते हैं। देखिए और एक जो मेन टिप्स है वो मैं थोड़ी देर बाद देती हूँ, पहले ये मैं दिखा देती हूँ। देखिए ये वाला थोड़ा सा ढलान है और उसके बाद स्पीड ब्रेकर है, तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेटर करने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी ऐसे ही चली जाएगी। और यहाँ पे आपको जब पहला चक्का आपका क्रॉस हो जाए तो भी गाड़ी निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ढलान है तो एक्सेलरेटर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लर्नर हैं, अगर आप दोनों पैर उठा के नहीं कर सकते हैं तो दोनों पैर नीचे उतार के भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं पर लिखा नहीं है कि आप दोनों पैर नीचे करके आप स्पीड ब्रेकर को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप दोनों पैर नीचे करके भी क्रॉस कर सकते हैं, स्पीड ब्रेकर क्रॉस होने में बात है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी एक है, तो मैं गाड़ी को स्लो करूँगी, मैंने लेफ्ट साइड का ब्रेक लगाए हैं, राइट साइड का ब्रेक आप मत लगाइए तो गाड़ी आपकी रुकेगी नहीं। अगर आप राइट साइड का ब्रेक लगा लेंगे तो गाड़ी आपकी तुरंत रुक जाएगी और रुकने से क्या होगा, स्पीड ब्रेकर आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे। देखिए और एक भी है, तो लेफ्ट साइड का ब्रेक मैंने लगाए हैं, गाड़ी आपकी स्लो हो गई है, सामने का टायर पार हो गई है और मैंने एक्सेलरेशन कर लिए हैं। लेकिन मैंने एक बार भी आप लोगों ने देखे नहीं होंगे कि मैंने राइट साइड का ब्रेक लगाए हैं, क्योंकि राइट साइड का ब्रेक मैं नहीं लगाऊंगी। आप जब भी कोई स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करेंगे तो राइट साइड वाला ब्रेक मत यूज़ कीजिए, क्योंकि गाड़ी बंद हो जाएगी और अगर आपकी पेट्रोल स्कूटी है तो गाड़ी बंद भी हो सकती है और गाड़ी रुक जाएगी। रुकने से क्या होता है कि गाड़ी आपकी स्पीड ब्रेकर को क्रॉस नहीं कर पाएगी। अभी जो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को वो है कि हैंकी टके। तो देखिए ये एक हैंकी मैंने लिए हैं और इसको मैंने फोल्ड किया, सिंपल सा फोल्ड करना है आपको बस और कुछ नहीं करना है। तो इसमें भी आपको ये जो इसका जो डिज़ाइंस होगा वो भी देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसे ही अगर मैं टक कर दूँ, देखिए थोड़ा सा ये, क्योंकि ये थोड़ा सा बिग साइज़ है तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करूँगी और फिर मैं इसको यहाँ पर टक करूँगी। तो देखिए कितना अच्छा लगता है देखने में और इसे आप अंदर की ओर भी रख सकते हैं। अब मैं और एक दिखा रही हूँ आप लोगों को, देखिए अगर इस तरह का कुछ डिज़ाइंस है तो आप उसे भी एक साथ ले सकते हैं। किस तरह से, देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से, और फिर आपको सिंपल सा फोल्ड कर लेना है, ठीक है। देखिए ये ऐसे, फिर इस तरह, फिर इस तरह, और जो पोर्शन बच जाएगा उसे आप इस तरह कर लीजिए, ठीक है। और ये जो जगह है इसे आप यहाँ पे टक कीजिए, तो देखिए ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है। और इसे आप बंद कर दीजिए तो भी आपको अंदर ही रह जाएगा, कोई दिखेगा नहीं, ठीक है। और एक भी आप कर सकते हैं, देखिए
अगर आप चाहते हैं तो। अब देखिए, आप इस तरह से भी इसको प्लेट लगा सकते हैं। और फिर ये जो डिज़ाइंस आप दिखा सकते हैं किस तरह से, थोड़ा सा प्लेट को आप दूर दूर लगाइए, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा। अब देखिए, इसको जब आप टक करेंगे तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ओके, तो यही कुछ थी आज की वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ भी हो, लेकिन फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। ओके, सो टेक केयर, सेव राइड विथ लॉस।